अस्सलाम वालेकुम। इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म तो आपको पता है क्या है कि एक मुल्क बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, दूसरे मुल्क पे कब्जा करके बैठ गया, उसे अपना गुलाम बना लिया। ये इंग्लैंड का शौक था। आपको याद है 1857 पे इंडिया पे आ गए, इंडिया को कॉलोनी बना लिया, अमेरिका में चले गए थे 1600 के बाद, अमेरिका को कॉलोनी बना लिया था। इंग्लैंड को बहुत शौक था, इंग्लैंड को, रशिया को, स्पेन को, और क्या नाम है, फ्रांस को, ये रोमन्स को, ये बीमारी थी कि वो चाहते थे मुल्कों पे कब्ज़ा कर लें और मुल्कों को अपना गुलाम बना लें। अब अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जो चाइना के लिए लोग क्या डरते हैं, कहते हैं इंपीरियलिज्म है, चाइना पाकिस्तान में आके बैठ जाएगा, पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लेगा, वो सुपर पावर है, पाकिस्तान से लड़ भी नहीं सकेगा। अभी चाइना दोस्ती दोस्ती की बातें कर रहा है, आगे चल के दोस्ती की बातें ख़त्म हो जाएंगी। अब अल्लाह मालिक इंपीरियलिज्म, मैं इंपीरियलिज्म से अच्छा भी होता है, कहीं इंपीरियलिज्म अच्छा भी होता जाता है। कैसे? कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं था, गाँव में इंसाफ नहीं है, चौधरी वडेरा जुल्म कर रहा है, ठीक है ना। तो इंपीरियलिज्म से ये होगा, चाइना वाले आ जाएंगे, चाइना तो चौधरी वडेरों को मार मार के सीधा कर देंगे, जाहिर बात है। तो हर आदमी आज़ाद हो जाएगा, खुश, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं इंपीरियलिज्म के आने से, अच्छा हो जाएगा कि हम गुलाम हैं, हम आज़ाद ज़िंदगी जियेंगे। चाइना तो मेरिट पर देखेगा ना, ये वडेरा है, मोटा सा है, कुछ काम नहीं करता है, वो कहेंगे हट भाग ऐसे वडेरे, चल निकल, जो हारी काम कर रहा है, फार्मर जो है काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो उसको प्रिविलेज देंगे, उसको बेनिफिट देंगे। तो इंपीरियलिज्म के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन फ़ायदे मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, फ़ायदे इंपीरियलिज्म से आपकी कंट्री लॉस्ट कर जाती है। अब चाइना चाइना होगा, पाकिस्तान को कोई नाम भूल जाएगा। इंपीरियलिज्म अच्छी चीज़ नहीं है, आप अपने अंदर खुद अच्छाइयाँ लाओ। इंपीरियलिज्म से अच्छाई नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बीमार हो, आप एंटीबायोटिक खा के सही हो जाते हो, तो ये अच्छा नहीं है। इससे बेहतर ये कि आप हर्बल्स खाओ, आप फ्रूट खाओ और ठीक कर लो अपने आप को, ये बेहतर है। परहेज़ कर लो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउटसाइड मेडिसिन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन, इसी ना इंपीरियलिज्म एक मेडिसिन होगा कि चाइना आके आपको सही करे, आप खुद सही हो ना। पाकिस्तान इज अ गुड नेशन, पाकिस्तान, वाई नॉट पाकिस्तान अंडरस्टैंड, द प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान शुड कम अप एंड टेक द चार्ज एंड दे टीच द पॉलिटिशियन के हाउ टू लिव, हाउ टू रूल, इंस्टेड ऑफ चाइना टेल अस डिक्टेशन, ऑल दिस दैट इज डेंजरस। आई एम टेलिंग यू इंपीरियलिज्म इज डेंजरस। तो पाकिस्तान विल लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी इन द फ्यूचर इफ खुदा ना खास्ता इंपीरियलिज्म कम्स इन द शेप ऑफ चाइना। चाइना आपको कॉलोनी बना लेगा, कॉलोनी माने गुलाम बना लेगा, कॉलोनी माने स्लेव बना लेगा। आप प्लीज़ अकल करो। तो अल्लाह करे चाइना से ना करे, चाइना रिमेन्स अवर फ्रेंड, बट गॉड नोज।